अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी अम्मी ने आपके साथ शेयर किया है 10 से 15 मिनट में बन जाने वाली सूजी के हलवे की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार हो जाता है, वो भी 10 से 15 मिनट में। कोई भी फेस्टिव सीजन में आप इसे बना सकते हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक परफेक्ट सूजी का हलवा बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन ले लेंगे। एक कप सूजी के हलवे में बनाने के लिए हमें 1.5 कप यहाँ पे शुगर का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको 1 कप सूजी का हलवा बनाना है तो आपको इसमें 1.5 कप शुगर का इस्तेमाल करना होगा। जितना हमने शुगर लिया था उससे डबल हम पानी ले लेंगे, 2 कप। हाई फ्लेम पर हम शक्कर को बॉयल आने तक छोड़ देंगे। देखिए इसमें धीरे धीरे से बॉयल आना स्टार्ट हो रहा है। जब तक शक्कर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए हमें इसे अच्छे तरीके से बॉयल करते रहना है। देखिए इसमें एक बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसी स्टेज पे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे, साथ ही साथ इसमें 1/4 इसमें कलर ऐड कर लेंगे। ये केसरी कलर है या फिर आप येलो कलर भी ऐड कर सकते हो। आपको जिस टाइप का हलवा पसंद है, आपको जिस कलर का हलवा पसंद है, आप वो कलर ऐड कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट इसमें हम 3-4 ड्रॉप्स रोज एसेंस ऐड कर लेंगे ताकि फ्रेग्रेंस अच्छी आए। अभी हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अभी नेक्स्ट हम हलवा बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी हम एक पैन ले लेंगे। पैन में हमें 1 कप घी ले लेना है, देसी घी, जिसमें कि हम 1/2 कप अभी यूज़ कर लेंगे और 1/2 कप हम बाद में यूज़ कर लेंगे। अभी हम ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, काजू, बादाम और पिस्ता। जितना आपको लगे आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेना। देन हम इसे 1 से 2 सेकेंड तक अच्छे से भून लेंगे। अभी हम इसी स्टेज पर ड्राई नट्स को निकाल लेंगे। अभी हम वही पैन में और थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे, देखिए तकरीबन इतना। अभी हम घी ऐड करने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 कप रवा। मेक श्योर कि हमें रवा ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पर हमें सूजी को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। स्लो स्लो हाथ चलाते रहेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे भूनते रहेंगे ताकि इसे घी अच्छी तरीके से एब्जॉर्व कर ले और लास्ट में घी को पूरा छोड़ दे। इसी तरह हम 2 से 3 मिनट तक सूजी को अच्छी तरीके से भून लेंगे, जब तक ये थोड़ा हल्का ब्राउन ना हो जाए और इसमें से घी अच्छे से लूज़ ना हो जाए। देखिए घी धीरे धीरे इसमें से लूज़ हो रही है, यानी छूट रही है। अभी हम इसी स्टेज पे हमने जो शुगर की चाशनी को बनाया था, अभी हम इसी स्टेज पे हम डाल देंगे इसे। मीडियम लो फ्लेम पर हम सूजी को चाशनी के साथ पकाते रहेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये थोड़ी सी थिक ना हो जाए। अच्छे तरीके से हाथ चलाते रहेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर हम सूजी को पकाते रहेंगे। देखिए धीरे धीरे से ये थिक होना स्टार्ट हो गई है और ये सारा चाशनी को अब्जॉर्ब कर लिए। अभी हम इसी स्टेज पे ड्राई नट्स को ऐड कर लेंगे। ड्राई नट्स को भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सूजी में। सूजी ने चाशनी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी हम इसी स्टेज पे जो बची हुई घी थी हमारी वो हम ऐड कर लेंगे इसमें ताकि और स्मूथ और शाइनी टेक्सचर है। जितनी हम घी ऐड करेंगे सूजी का हलवा उतना ही अच्छा बनता है, तो घी हमें ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना है। देन हम अच्छे तरीके से घी को मिक्स कर लेंगे सूजी में। देखिए इस तरीके से माशाल्लाह ये कितनी अच्छी लग रही है। बहुत ही ईजी रेसिपी है, 10 से 15 मिनट में ही बन करके तैयार हो जाती है। कोई भी फेस्टिव सीजन हो, कोई भी ओकेशन हो, आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम इसी चीज़ पे फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी और टेस्टी और डिलीशियस सूजी का हलवा बन करके रेडी हो गया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाना। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट पर बताना कि रेसिपी कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़।